16 जून को बिहार के नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। जेडीयू के नेता रत्नेश सदा ने मंत्री पद की शपथ ली। राजभवन के दरबार हॉल में उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ ने उन्हें पद की गोपनीयता की शपथ दिलाई, जिसके बाद मंत्री बने रत्नेश सदा ने जीतन राम मांझी पर तीखे बोल बोले। माननीय मुख्यमंत्री, बिहार भाई, हम धरती पर सोने वाले व्यक्ति हैं। चादर नहीं मिलता था तो लार का टाल था, उसमें सोते थे। अब तो आप लोग का आशीर्वाद से, माननीय मुख्यमंत्री का आशीर्वाद से सारा सुविधा उपलब्ध है। एक एक घर पहुंचेंगे पूरे बिहार। हम पहला प्राथमिकता वही रखें, वही जाएंगे। जीतन राम मांझी की बात मत कीजिए, आप कर्म करके दिखा। वहीं बिहार के मुखिया ने जीतन राम मांझी पर संगीन आरोप लगाते हुए उन्हें बीजेपी का जासूस बताया। अगर ये लोग अंदर रहते तो जो कुछ भी बोलता वो सब बीजेपी को खबर होती, तो इसीलिए आप समझ लीजिए कि ये पहले ही किया, आप लोग जान लीजिए। तो इसीलिए हमने कह दिया था आप तो मर्ज करिए, नहीं तो अलग हुई है। तो हो गए अलग, ठीक है हुआ। इसीलिए आप जानते हैं हम तो अपने कोटा के ना बना दिए थे। बता दें, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन ने बिहार कैबिनेट से इस्तीफा देते हुए नीतीश कुमार पर आरोप लगाया था कि वे जनता का काम नहीं कर रहे हैं। साथ ही जीतन राम मांझी ने बिहार गठबंधन से अपनी पार्टी को भी अलग कर लिया है। ऐसे में बिहार में 23 जून को लोकसभा चुनाव के लिए तैयार होने वाली महागठबंधन को लेकर एक महाबैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें जीतन राम मांझी हिस्सा नहीं ले पाएंगे।